ये हमारा सहजन पत्ता का बड़ा या पकौड़ी रेडी है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए भी, तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई, सप्ताह में ज़रूर एक बार ट्राई करें। प्याज पकौड़ा ये सब को छोड़कर ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो वो इस पकौड़ा को बनाने का, बड़ा को बनाने का तरीका देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। सहजन के पत्ता का पकौड़ा बना रहे हैं, इसके लिए ये मुलायम वाला सहजन पत्ता समेत इस तरह से तोड़ लिए थे और उसको इस तरह इससे अलग करके ये डंठल बचा है वो एक गिलास ले लिए हैं। ये इस तरह से मुलायम था तो इस तरह से ले लिए हैं और इसी गिलास से एक गिलास आटा गेहूं का लेके उसको चाल के ले लिए और बड़ा साइज का एक प्याज, ये है अजवाइन, टेस्ट से नमक, मिर्च पाउडर तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर और ये हरा मिर्च बारीक कटा और ये लहसुन एक ढेसर लिए हैं। इस तरह का मिडिल ढेसर था, इसका दाना छील के निकाल के फिर उसको बारीक काट लिए। इन सबको बनाने का तरीका देखेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है और इसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। तो ये सरसों तेल डाल दिए, जब तक ये गर्म हो रहा है इसको तेल अच्छे से मिला लिया। अब धीरे धीरे पानी डाल के करेंगे। गेहूँ का आटा भी थोड़ा बेसन भी ले सकते हैं, और ये यहाँ बेसन से ज़्यादा ये इसका टेस्ट ज़्यादा है। धीरे धीरे करके पानी देंगे नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा, और जितना गीला होगा छनाने के टाइम में वो पानी चलते हुए तेल एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको इस तरह से धीरे धीरे जितना ज़्यादा थे पानी डालेंगे, और बहुत कम पानी डालने से काफ़ी कड़ा कड़ा बनता है। तो एक मीडियम नरम पे नहीं छोड़ेंगे, गैस पे छोड़ने पे जब इसको बनाते हैं तो ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है। तो तुरंत इसको करेंगे और तुरंत इसको छान लेंगे, तो ये मिनिमम तेल एब्जॉर्ब करते हुए बनता है। ये देखिए हम लोग इस तरह से रेडी हो गया है। तो इसमें पत्ता डालेंगे, ये रखे हुए थे,
के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरह से ही पहले सारा मसाला को मिला लें और फिर बाद में पत्ता डालें, स्टार्टिंग में पत्ता ना डालें। अब ये हम लोग का तेल गर्म हो गया है और फ्लेम भी हाई कर दिए हैं, लो फ्लेम पे नहीं करना है। और ये सबको छोटा छोटा और इस तरह से लेंगे और बीच में छेद कर देंगे, इस तरह से रखते रहेंगे। साइज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए गोल बना लिए और इसको बीच में छेद कर दिए ताकि बीच तक ही पके। बड़ा साइज होने के कारण बीच में कच्चा ही रह जाता है, इसलिए छेद करना ज़रूरी है। ये लिए इसको बीच में छेद किए, ये छेद बन गए और फिर इसको पलट दिए। ये देखिए ये बीच में इस तरह से छेद कर लिए, छेद करके तो पलट लेंगे। फ्लेम हाई है, उसको हाई फ्लेम पे ही तलना है। डाले हुए कुछ देर हो गया है, जो तेल में जो नीचे वाला यहाँ का हिस्सा है उसका यहाँ वाले ऊपर वाले हिस्सा से कलर चेंज हो गया है, तो अब इस ये सबको पलट लेंगे। इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इस साइड पे थोड़ा देर पकने देंगे और स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको हाई फ्लेम पे ही तलेंगे। और ऐसे में ऐसा नहीं होता है कि ये कच्चा होता है और ना ही इसमें तेल लॉक होता है, ये काफ़ी अच्छा सेंटर तक पकते हुए, क्योंकि इसमें बीच सेंटर में छेद करके डालते हुए इसमें डाले थे बॉल को, तो ये बीच से भी पकेगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। तो दोनों ओर से पलटते हुए क्रंची होने तक पकाएंगे। अगर आप लाइट गोल्डन फ्राई ही खाते हो तो लाइट गोल्डन में ही निकाल लें, और ज़्यादा ज़्यादा डार्क गोल्डन खाते हो तो उस कलर आने पे ही निकालें। तो ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा देख लें।
लिए अब हम लोग तैयार हो चुका है। ये हम लोग का अब चारों तरफ से फ्राई हो गया है। ये देखिए दोनों ओर से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेंगे। फ्लेम लो नहीं करना है, जैसे स्टार्टिंग में था हाई वैसे ही रहने देंगे और बारी बारी से इस पर डाल लेंगे। ये काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी सहजन का पत्ता काफ़ी फायदेमंद है। तो प्याज पकौड़ा ये सब तो हम लोग खाते ही रहते हैं। हम लोग को इस तरह का हेल्थ को देखते हुए भी, ध्यान रखते हुए भी, इस तरह के पकौड़ों को भी ज़रूर इस्तेमाल में लेना चाहिए। ये देखिए हम लोग का छना के रेडी हो गया है।